साफ करके रखे, तो ये मुझे चिल्लाने लगे, गुस्सा आ रहे थे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो आज अभी मैं, बच्चे चले गए स्कूल तो अभी मैं उठ गई हूँ। फिलहाल डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो अभी बस अभी सारा वैसे ही पड़ा हुआ देख रहे हैं आप, देखिए सब यहाँ से वहाँ तक बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ कपड़े वगैरह सब रखे हैं और जा रही थी कुछ वहाँ के कपड़े सही करने के लिए, और अभी मैं नहाई नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम सा हो रहा है, तो इसलिए नहीं तो जा रही थी नहाने के लिए। तो भी विंटर वगैरह आने वाले हैं, आई थिंक 8 बजे तक आ जाएंगे। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी नाश्ता नहीं किया है फ़िलहाल मैंने, तो अभी सोची थी बना लूँ नाश्ता कुछ तभी आए, तो इनसे पूछूं क्या नाश्ता खाओगे, तो सोचे थे नाश्ता बना लूं। वो भी वीडियो एडिट करना था मुझे, अभी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया आज। सो यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम, तो बस बना रही थी चाय और बच्चे चले गए थे स्कूल, तो बस हम लोगों को आज ना हम लोगों ने 7:30 बजे मैंने टी बनाया था। और ये तीन ऑप्शन है टी में, तो मैंने कहा तुम क्या खाओगे तीनों में से, मतलब चकली और टोस्ट और नमकीन रखा हुआ था, और तो इन्होंने कहा कि जो भी मन है वो दे दो। और यहाँ के देख लीजिए आप मेरे बाहर कमरे की हालत क्या है, सो आप खुद देख सकते हैं, मतलब इतना बुरा हाल है कम घर का इस समय। देख रहे हैं आप पीओपी की डिज़ाइन हटाई गई है, सो न्यू डिज़ाइन से हो रही है सारा, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब न्यू होम मिलने वाला है कुल मिला के आप लोगों को मेरा घर। और मेरे पास मतलब कमेंट आते हैं यार वीडियो नहीं आ पा रहे हैं क्या करूँ, यहाँ दुर्गा पूजा है इतना, मतलब अभी ना थोड़ी देर के लिए बंद है लाउड स्पीकर क्योंकि अभी जागरण होने वाला है, फिर से वॉइस हो जाएगी, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही, मतलब जो व्लॉग है वीडियोज़ हैं मैं उसमें भी वॉइस नहीं ऐड कर पा रही हूँ, एंड वीडियो बना लेती हूँ व्लॉग बट क्या ना वॉइस भी नहीं ओवर कर पा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो जा रहा है और इस वजह से ना वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है मेरे। तो यहाँ पे फटाफट मैं छान ले रही हूँ अपने न्यू कप में चाय, और बस हम दोनों जो है आज जल्दी जैसे कि मैंने बताया चाय पियेंगे। तो घर का आप लोगों को बताइए, जब ऐसे ही होता है ना तो घर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम चलता है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ से वहाँ होना और गंदा होना ही होता है। सो मॉर्निंग से अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है ना, तो इसी वजह से तो मैंने कहा कि पूरे हेयर मैंने ढाक लिए थे, एंड बाहर अभी फिर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा वाइडिंग वगैरह का काम चल रहा है। और अभी मेरा बहुत अच्छा एक पार्सल आया हुआ है, सो उसकी आपको बाद में दिखाऊंगी मैं। एंड अभी मैंने लंच नहीं किया, बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो ये सिस्टर क्या चले गई, यहाँ नहाने वाने की कोई जगह नहीं थी, सब बाथरूम में सब लॉन में काम चालू था, इसलिए वो लोग वहीं पे चले गए हैं। और बस ऐसे ही सब रूटीन मेरा चल रहा है, बहुत सी चीज़ें शेयर करना चाहती थी आप लोगों से, इस समय कुछ भी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल, कहीं जगह नहीं है। ये देखिए यहाँ सब मैसे पड़ा हुआ है, ये सब मतलब पूरे घर में बहुत बुरी हालत है, आप लोगों को मैंने दिखाया ही था। तो अभी पीओपी की डिज़ाइन काफ़ी हद तक पहुँच गई है, मतलब हो गई है क्योंकि उनके यहाँ सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, कि उनकी भी तबीयत ख़राब है इस वजह से। तो देखिए आज मेरे ये 4 पार्सल मुझे रिसीव हुए हैं एक साथ, आज मुझे ना ये मतलब 4 पार्सल, 2 ये देख सकते हैं एक साथ है ये वाइट वाले पैकेट में, फिर रात में एक पार्सल और मुझे रिसीव है, मतलब एक साथ 5 पार्सल। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए मेरी किचन का हाल, सो यहाँ जो है ना घर में एक वायरिंग एक जगह हुई थी, तो ओ माय गॉड, मतलब वायरिंग का मतलब आप जानते ना, देख लीजिए धूले बर्तन रखे हैं टब में, एंड पूरा किचन देख ली धूल डस्ट है, मैं तो मैंने पूरे जो स्टैंड के बर्तन है ना वो सारे निकाल दिए, मैंने कहा मतलब जब मन होता है ना कि आप यार सफाई कर ही दो, किचन साफ़ होने के बावजूद मेरा पूरा गंदा हो गया जितना ही मैंने अभी तक साफ़ किया था।
और यहाँ पर काम होते हैं। और यहाँ सिया व्लॉगिंग करने स्टार्ट कर दिया कि मम्मा चलो मैं शूट कर देती हूँ, और मुझे अचानक से पूरा मुंह बांध के, मतलब डस्ट से एलर्जी है मुझे इतनी ज़्यादा। तो वो इन्होंने एक लोग ने ना कमरा बीच का खोल दिया था, तो पूरा किचन का मतलब पूरा डस्टी डस्ट, पूरा स्टैंड मैंने मांजा पूरा, फिर मतलब जितने बर्तन आप देख रहे हैं ना, चमचे से लेके हर चीज़, तो मैंने नहीं शूट कर पाई थी सारी चीज़ें। मतलब मुझे वापस से सारी जितनी भी है ना वॉश करके जो है ना वापस से लगाया मैंने, जो ऊपर सारी जितने भी कैसरोल वगैरह सब रखा है ना, सारी चीज़ें मैंने निकाला है, सारे चमचे जितने भी है ना सारे के सारे मुझे धुल के वापस से लगाने पड़े थे, क्योंकि मैंने कहा कि ये अभी कर दूँ, नहीं तो क्या होता ना जो मिट्टी होती है डस्ट चिपक जाएगी बर्तनों में, तो और भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, और फिर बर्तन गिलास है बच्चे नहीं ध्यान देते, एकदम से यूज़ कर लें मिट्टी थी उसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने फटाफट सारे वॉश कर करके सबसे पहले गिलास वगैरह जो है ना वो सेट कर रही थी, और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और सो मैं अभी तक मैंने हम लोगों ने लंच भी नहीं किया था, उससे पहले ये सब हॉल हो गया था किचन का। तो इस समय आप लोग देख ही रहे हैं मेरा क्या हाल है, घर के बस काम में ही बिज़ी हूँ मैं। एंड आज का लंच है दाल एंड कुंदरू की सब्ज़ी, चावल रोटी, बहुत ज़्यादा यम्मी सब्जी बनी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। तो आज का हमारा यही लंच था, उसके बाद फिर मैं जाके जो है ना काम में लग गई थी। सो मेरी सारी मेहनत ख़राब हुई किचन की, और मैंने पहले पूरा साफ़ कर लिया था एंड सब कुछ गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। तो स्टैंड के सारे बर्तन, मतलब स्टैंड भी मैंने मांझ दिया पूरा, और सारे बर्तन वापस से सारे साफ़ करने रखना पड़ा, और जो टब में रखे थे वो धुले हुए थे तो वो भी सारे गंदे हो गए, तो वो भी सारे साफ़ करके रखे। तो ये मुझे चिल्लाने लगे गुस्सा आ रहे थे कि गेट अगर भैया जो है उन्होंने खोल दिया था, इस वजह से सारी डस्ट जो है ना घर में घुस गई थी। तो मैंने कहा मैं बार बार कहाँ तक बाहर जाऊँ देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल रास्ता नहीं वहाँ निकलने के लिए भी है वो। तो फिर बाद में उन्हीं पे चिल्ला रहे थे, गुस्सा रहे थे, मैं तो डर गई थी जब मुझे चिल्लाया था। सो बस बहुत सारी मेहनत है अभी मुझे किचन, बाकी जितना मैंने अभी तक साफ़ किया मुझे दोबारा फिर से सारी डब्बे वगैरह सब साफ़ करने पड़ेंगे, बट मैं अभी नहीं करूँगी, मैंने मेन पूरा कर लिया है तो उसमें मुझे अब कुछ नहीं करना है। और अब कुछ काम होगा ना तो मैं बेडशीट से उसको ढाक दूँगी, और अब बस कुछ दिन और यहाँ पे आज पूरा काम फिनिश होने वाला है, बाकी पेंट वगैरह बस उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो सारा चीज़ है ओफ़ माय गॉड, मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा गंदगी है घर में, और मुझे पता सबसे ज़्यादा लगता है एक बार क्लीनिंग करो दोबारा करनी पड़ती है ना, तो और ज़्यादा रोना आता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो चलिए थोड़ी बात मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाम को बन रहा है, बच्चे कोचिंग गए ना, तो मैंने कहा चलो क्या बनाया जाए, तो काफ़ी लोग सब लोग हो गए थे बहुत लोग, तो मैंने इतना पास्ता करवाया था, और घर में काम भी इस समय चला था तो सब लोग काफ़ी लोग भी थे, और बन रहा था यम्मी से एकदम से पास्ता, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये लोग गए थे ना तो मैम ने आलू फिंगर भी इन लोगों के लिए मंगवा दिया था, भिजवा दिया था, तो ये लोग वो भी खा रहे थे, और पास्ता मैंने कहा ज़रूर खाओ घर का है, तो बस हम लोग खाते पास्ता। कभी कभी शाम को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो लगता है यार कुछ अच्छा हैवी मिल जाए खाने के लिए। और सो ये है मेरा फाइनल, मतलब फाइनल तो नहीं कहूँगी बिकॉज अभी बहुत सा काम होना है। तो ये लॉन की डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। एंड ये मेरा स्टूडियो रूम, यस फाइनल मेरा जो ड्रीम रूम है ना, ओ माय गॉड, मतलब वो रेडी हो गया है फिलहाल, बस इसमें थोड़ा सा काम बचा है। एंड कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के मुझे ज़रूर बताइएगा। हम सबका बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेरे सिस्टर है मेरा पूरा फेवरेट है ये कलर। सो सारा काम हो गया है, और यहाँ आयानू रो रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि आयानू को टीवी नहीं लगी है ना तो देखने को नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए तो रो रहा है। सो फाइनली आप लोगों ने देखा मेरा ड्रीम रूम, ओ माई गॉड, मतलब ड्रीम रूम मेरा रेडी हो गया है, और मुझे मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और कैसा लगा पूरा पेंट कॉम्बिनेशन सब कुछ, मतलब मेरी सिस्टर हम लोगों की पसंद का है, हम बहुत ज़्यादा हम लोगों को पसंद था, और येलो कलर मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों को पसंद आ रहा था। तो हम ही लोग कलर कॉम्बिनेशन है पूरा छत का, छत वाला तो सिस्टर ने सजेस्ट किया था, क्योंकि हम लोग पहले कोई दूसरा कलर करवा रहे थे, बट उसमें उन्होंने कहा था कोई प्रॉब्लम होगी, पर फिर ये हुआ कि ये बहुत प्यारा लग रहा था कलर। सो आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएगा करके मुझे कमेंट करके, और कुछ एडवाइस है कुछ भी तो आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं। एंड फाइनली मेरे मतलब ड्रीम रूम जो होता ना, बहुत टाइम से वेट कर रही थी, और फाइनल मैं अपना स्टूडियो पूरा सेट करूँगी, और बस प्रॉब्लम ये है कि गर्मी में मुझे नीचे ही सेट रहना पड़ेगा। एंड बहुत सी चीज़ें हैं अभी, एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिज़ाइन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो ये सब बस पेंट होना है। फाइनल बन चुका है, फिर से अलमारी हो गई है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी काम होना है ना, तो अभी अलमारी सोफ़ा सब यहाँ वहाँ हो गया है फिलहाल। सो अभी ना
पास्ता बना था तो सब लोग वही खाया, इनको जाना था थोड़ा सा अभी, बहुत सारा स्विच सॉकेट एंड काफ़ी सारा सामान लिखवाया है उन्होंने ऊपर से पूरे बोर्ड लगने, तो उसी के लिए गए हैं, काफ़ी थके हुए हैं। और अभी लगभग 7:30-8 ऐसे ही हो रहा है और रात मेरी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो फाइनली आज मुझे मेरा डबल काम हो गया है। एंड अभी फिर से किचन में धूल ही धूल डस्ट डस्ट हो गई है, तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ साफ़ करूँगी नहीं, पर क्या करूँ, जो गंदा होता मन नहीं मानता है, फिर लगता है कि नहीं यार साफ़ कर देती हूँ, मेरे साथ ये हो जाता है, बट अब मैं सोच रही थी। एंड कल जाना है हम लोगों को, कहाँ जाना है चलिए मैं आप लोगों को कल ही बता दूँगी, और क्योंकि कल बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे नेल पेंट लगाना है, मैंने अपनी नेल पेंट जो है ना वो रिमूव कर लिया है, सो देखूँगी लगाऊँगी कि नहीं लगाऊँगी, क्योंकि छूट जाती है ना आधे में तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। सो कल पहनने वाली हूँ मैं साड़ी, साड़ी अभी आई नहीं है, फॉल्पी धोपी लग गई है, हो चुकी है, अभी आने वाली है, और बस यही सारे काम है। सो बस इंतज़ार करिए डेकोरेशन का, जो मैं डेकोरेशन करूँगी अपने रूम में और पूरे पूरे होम का। सो वेट करिएगा नेक्स्ट व्लॉग का, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।